दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है नाव एंड धारा। नाव एंड धारा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है एक आदमी अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह का मतलब है धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उर्ध्वप्रवाह का मतलब विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलाता है तो शांत जल में वह किस गति से नाव चलाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको नाव की चाल ज्ञात करनी है, उसके लिए ट्रिक है। इसको मानेंगे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक्स बराबर आपका है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई बराबर आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव की चाल ज्ञात करना है, नाव की चाल, इसका फार्मूला होगा आपका एक्स प्लस वाई बटे 10 2। अब x कितना दिया, 16 प्लस 4 बटे 2, यानी कितना होगा ये 20 बटे 2, यानी 2 दशमलव 20, यानी ये आपका आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है एक आदमी अनुप्रवाह में 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उर्ध्वप्रवाह में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है, शांत जल में किस गति से नाव चलाएगा। तो नाव की चाल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको x बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, y बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, मतलब जो पहली चाल हम उसको मानेंगे x और दूसरी चाल को मानेंगे y, ठीक। अब आपको नाव की चाल निकालनी, नाव की गति या चाल, ठीक, क्या है x प्लस वाई बटे 2। x प्लस वाई यानी 14 प्लस 12 बटे 2, 14 12 कितना हो जाएगा 26 बटे 2, यानी आपका आएगा 13। तो मतलब 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन आपका बी सी सही हो जाए। आज का तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा है एक नाविक 5 घंटे में धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाता है तथा उतने ही समय में धारा के साथ 32 किलोमीटर जाता है, धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, वो निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम चाल निकालेंगे। सबसे पहले धारा के साथ, धारा की दिशा निकालेंगे, धारा की दिशा निकालेंगे, यहाँ पर 32 किलोमीटर दिया है और चाल क्या होती है किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल x माने x बराबर क्या हो जाएगी आपकी 32, ये किलोमीटर प्रति घंटा की समय कितना दिया 5, तो ये हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये पहली चाल होगी धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, यानी बाई कितना दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा मतलब 5, ठीक बन गई। अब ये चाल बन गई, अब हमें निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल कैसे निकलेगी, धारा की चाल फार्मूला होता है आपका x माइनस वाई बटे 2, ठीक। x माइनस वाई मतलब ये आपका 32 बटे 5, 18 बटे 5 बटे 2। अब देखिए क्या, हर बराबर तो ऐसी घटा देंगे, देखिए 12 में से 8 जाएंगे 4 बचे, यानी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 बटे 5 बटे 2, ठीक। 5 गुनी जगह में 10, यानी 14 बटे 10 हो जाएगी, 5 गुनी कैसे करेंगे, इधर देखो 2 × 5 बराबर 14 बटे 10। अब 10 से भाग करें तो ये कितना आ जाएगा 1.4, कैसे आएगा 10 से भाग देंगे तब 1.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नंबर 4 है, 4 को स्टार्ट करते हैं। लिखा है एक तैराक धारा के अनुकूल यानी विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है तथा धारा के प्रतिकूल, धारा की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, शांत जल में वह किस गति से तैरेगा, ठीक है। अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है, अनुकूल का मतलब दिशा में और प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा, ठीक है। तो इसको मानेंगे x, भाई पहली चाल x बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर आपको दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तैराक शांत जल में किस गति से तैर पाएगा, ठीक है, तैर पा सकेगा,
तो इसकी हम निकालेंगे कैसे, x प्लस वाई बटे दो, एक्स कितना दिया 14 दिया, प्लस 3, 14 3 17 हो जाएंगे, कितने जाएंगे 17 बटे दो, 17 बटे दो अब हम काटेंगे तो 2 8 16 और 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16 एक बचेगी, 2 5 10 यानी कट गया तो आपका आ गया आंसर 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।